हर लड़की चाहती है उसकी स्किन खूबसूरत और बेदाग नजर आए। यही वजह है स्किन की खूबसूरती में चार चांद लगाने के लिए लड़कियां कई तरह के फेस पैक, फेस क्रीम, फाउंडेशन और मास्क का इस्तेमाल करती है। ध्यान देने वाली बात तो ये है कि चेहरे पर यूज होने वाली सभी चीजें केमिकल्स बेस्ड होती हैं। केमिकल्स की वजह इस तरह के ब्यूटी प्रोडक्ट स्किन को खराब कर देते हैं। इस स्थिति में लड़कियां एक बार फिर ब्यूटी प्रोडक्ट का ही सहारा लेती हैं, जिसकी वजह से त्वचा की परेशानियां कम होने की बजाय और ज्यादा हो जाती है। अगर आप भी किसी स्किन प्रॉब्लम से जूझ रही हैं, तो नॉर्मल स्किन केयर रूटीन को छोड़कर मोरक्कन स्किन केयर रूटीन को फॉलो करें। मोरक्कन स्किन केयर रूटीन को फॉलो करने से त्वचा की परेशानियां खत्म करने में मदद मिलती है। आइए जानते हैं इसके बारे में। स्टेप एक, फेस टोनर से करें स्किन केयर रूटीन की शुरुआत। त्वचा को क्लीन करने का सबसे पहला स्टेप है टोनिंग का। मोरक्कन स्किन केयर में नारियल पानी, आर्गन एसेंशियल ऑयल और गुलाब जल को मिलाकर टोनर तैयार किया जाता है। इसके लिए आपको 2 चम्मच नारियल के पानी में 1 चम्मच आर्गन एसेंशियल ऑयल मिलाना होगा। जब यह दोनों चीजें सही तरीके से मिल जाए तो इसमें गुलाब जल को डाला होगा। आपका मोरक्कन स्किन केयर टोनर तैयार हो चुका है। रोजाना इस टोनर से सुबह और शाम स्किन की सफाई करें। इस टोनर का इस्तेमाल करने से त्वचा की डीप क्लीनिंग होती है और मुंहासों के दाग कम करने में मदद मिलती है। स्टेप दो, सोप स्क्रब। नाम से ही जाहिर है, एक साबुन जो त्वचा के लिए स्क्रब का काम करेगा। इसे बनाने के लिए 1/2 कप ब्लैक ऑलिव को ग्राइंडर में पीसकर पेस्ट तैयार कर लें। इस पेस्ट में बी वैक्स डालें और अच्छे से पका लें। जब बी वैक्स पूरी तरह के पक जाए तो इस मिश्रण में लैवेंडर एसेंशियल ऑयल डालें और मिक्स कर लें। इस मिश्रण को किसी भी मोल्ड में डालकर सेट करें और ग्लास कंटेनर में स्टोर कर लें। इस साबुन का इस्तेमाल रोजाना चेहरे पर करें। सोप स्क्रब का इस्तेमाल करने से त्वचा पर ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स की समस्या नहीं होती है। यह सोप स्क्रब स्किन से डेड सेल्स को हटाकर त्वचा को मुलायम बनाता है। स्टेप 3, मिट्टी और दही का मास्क। त्वचा पर मौजूद अतिरिक्त तेल को हटाने, मुंहासों से राहत पाने और झुर्रियों को हटाने के लिए मिट्टी और दही का मास्क बहुत फायदेमंद होता है। इस मास्क को बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़े बाउल में 2 चम्मच मुल्तानी मिट्टी लें। इस मिट्टी में 2 चम्मच ही दही, 1/2 चम्मच गुलाब जल मिलाएं। आपका मिट्टी और दही का मास्क चेहरे पर लगाने के लिए तैयार हो चुका है। इस मास्क को लगाने से पहले चेहरे को साबुन और पानी से अच्छे से धो लें। इसके बाद मिट्टी और दही का मास्क लगाएं और 15 मिनट के लिए छोड़ दें। मास्क के सूखने के बाद त्वचा को स्क्रब की तरह क्लीन करें। ऐसा करने से चेहरे के ओपन एवं लार्ज पोर्स भी खुल जाएंगे और त्वचा की रंगत में निखार आएगा। इस स्किन केयर रूटीन को फॉलो करके आप खूबसूरत और बेदाग स्किन पा सकते हैं। ध्यान रहे कि किसी भी स्किन केयर रूटीन को फॉलो करने से पहले और त्वचा पर किसी मास्क का इस्तेमाल करने से पहले पैच टेस्ट जरूर लें। पैच टेस्ट के दौरान अगर आपको किसी तरह की जलन, खुजली या अन्य कोई परेशानी होती है तो इसका इस्तेमाल न करें।